कोरियोग्राफर सरोज खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। देर रात उनके निधन की खबर से बॉलीवुड सितारे और प्रशंसक सदमे में हैं। सरोज खान ने महज 3 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था। उनकी पहली फिल्म नजराना थी, जिसमें उन्होंने श्यामा नाम की बच्ची का किरदार निभाया था। 50 के दशक में सरोज खान ने बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम करना शुरू किया। कोरियोग्राफर के रूप में सरोज खान ने इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया। माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, काजोल, ऐश्वर्या, शाहरुख और सलमान सहित बड़े सितारों को सरोज खान ने अपने डांस मूव्स पर डांस कराया। 10 साल की उम्र में सरोज खान फिल्म हावड़ा ब्रिज के गाने आइए मेहरबान में डांस करती नजर आई थी। केवल भारतीय क्लासिकल डांस ही नहीं, सरोज खान वेस्टर्न डांस के हर फॉर्म में माहिर थी। माधुरी दीक्षित और सरोज खान की जोड़ी ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक दिए। इनमें 1, 2, 3, धक धक करने लगा, तबाह हो गए समेत अन्य हैं। माधुरी सरोज खान को अपना गुरु मानती थी। माधुरी के अलावा सरोज खान की जोड़ी श्रीदेवी के साथ भी खूब जमी। मिस्टर इंडिया, नगीना सहित कई फिल्मों में सरोज ने श्रीदेवी के साथ काम किया। बाजीगर फिल्म में शाहरुख के साथ सरोज ने गाना काली काली आंखें कोरियोग्राफ किया था। एक इंटरव्यू के दौरान शाहरुख ने बताया था कि एक बार सरोज खान ने उन्हें थप्पड़ भी मार दिया था। दरअसल शुरुआती दिनों में शाहरुख 3 शिफ्ट में काम किया करते थे। जब शाहरुख ने उनसे कहा कि काम की वजह से वो थक गए हैं, तब सरोज ने उन्हें प्यार से गाल पर थप्पड़ जड़ दिया था। ताल के एक गाने में सरोज खान ने ऐश्वर्या को डांस सिखाया। फिल्म के साथ साथ इसके गाने भी हिट रहे थे। ताल के बाद से ही ऐश्वर्या के करियर की गाड़ी भी चल निकली थी। फिल्म जब वी मेट के गाने ये इश्क हाय में सरोज खान ने करीना कपूर को डांस सिखाया था। गाने की शूटिंग के दौरान सरोज से करीना को खूब डांट भी पड़ती थी।